अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यापा ने वी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम में डालते हैं। नज़र खास खबर की जानिब, राशिद खान ने किया राजा सिंह को चैलेंज। भारत जोड़ो यात्रा को शवेल में मुनाकिद की गई, जिसमें उन्होंने एमएलए राजा सिंह की सरगर्मियों पर रोशनी डाली और गोशा महल के हाल को बयान किया। उन्होंने कहा, अवाम में अपोजिशन लीडर्स के नाकामी को बयान करना ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद है। उन्होंने इस मौके पर गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर्स के साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की नाकामी पर भी रोशनी डालने की कोशिश की। इस मौके पर श्री रोहिणी रेड्डी, खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट लीडर मोहम्मद खदीर, कांग्रेस लीडर राशिद खान, टीपीसी सेक्रेटरी शेख अब्दुल सोहेल, माइनॉरिटी चेयरमैन के अलावा दीगर कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद थे। आए डालते हैं सिलसिले में खुशी रिपोर्ट पर नजर, सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल की खास रिपोर्ट बियाबानी न्यूज़ पर। इसी तरह की मालूम के लिए बियाबानी बी एन टी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज रोहिणी रेड्डी साहब खैरताबाद सदर के जेरे निगरानी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मुनक्किद की गई है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारे साथ हमारे खदीर भाई सरगर्म कांग्रेस के कार्यकर्ता। जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अहम मकसद ये है कि जितने भी बीजेपी के नाकामयाबियाँ हैं, डीआरएस पार्टी के नाकामयाबियाँ हैं, पंडित इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाकामयाबियाँ, आवाम के दरमियान वो चीज़ को बयान करना और एक शऊर बेदार करना कि जितने भी जमात है वो हमारे पीठ पे खंजर बोक रहे हैं। जब बात आ जाती है थी मोदी सरकार की, तो आप देखेंगे कि दामों का जो रकम है वो आसमान को छू रहा है। आज LPG देखिए आप पेट्रोल का प्राइस देखिए, डीजल देखिए, खाना तक के बिल प्रोडक्ट पे GST लगा डाले, और जो फिर वक्त प्राइवेटाइजेशन हो रहा उसमें किसका फ़ायदा हो रहा? नरेंद्र मोदी का फ़ायदा हो रहा, अमित शाह का फ़ायदा हो रहा, अदानी का फ़ायदा हो रहा, अंबानी का फ़ायदा हो रहा। आप मेरे को बताइए, क्या अदानी नरेंद्र मोदी का साला है, मौनई है, ससुर है, फिर इतनी मेहरबानी क्यों अदानी पर? क्योंकि अदानी एक ब्रोकर है, फाइनेंसर है। जब भी इंतखाबा होता तो BJP को फंड करने वाले का नाम है अदानी, और BJP वो पैसों से MLA को खरीदती है। आज LIC में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मासूम हिंदुस्तानियों का पैसा अटका हुआ है, परेशान हाल में हम, गरीबी छाई भी है, अमीर और अमीर हो रहा, इसका खात्मा करना है, इसका खात्मा करना है बोलकर भारत जोड़ो यात्रा हम कामयाब बनाए राहुल गांधी जी की सदारत में। और राहुल गांधी जी का पैगाम क्या है? मोहब्बत का, अपने सुकून का, प्यार का, भाईचारगी का, हिंदुत्व का खात्मा करने का है। और फिर जब बात आ जाती है रियासत तेलंगाना में, तो BR पार्टी का तो मैं बोलूँ क्या, KCR साहब का हर वादा नाकामयाब हुआ, वादा खिलाफी करते गए। KCR साहब KG to PG फ्री एजुकेशन बोले, कहाँ मिला? डबल बेडरूम फ्लैट बोले, कहाँ मिला? फार्मर्स को इंसाफ मिला, माइनॉरिटी को इंसाफ मिला। आप मेरे को बोलिए, आप आने से सिर्फ शराब खाने बढ़े, 3000 शराब खाने बढ़ गए। आप तो सुने करप्शन करप्शन, अगर हम कब तक खामोश बैठना। और जब आ जाती है बात गोशा महल की,
तो यहाँ का जो MLA है सिर्फ बात करता है हिंदुत्व की। कोई गरीब जाके जब बोलता उसको कि साहब MLA साहब मैं बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगारी छोड़ो, पहले हिंदू धर्म की हिफाजत करो। कोई शख्स आके बोलता मेरे पास किताब नहीं है, पेन नहीं है, तो उसको कहता है कि ये सब चीज़ें छोड़ो, हिंदू राष्ट्र की बात करो। जब देखे जब यहाँ का MLA सिर्फ मजहब को लेकर सियासत को लेकर जहर उगलता है, नागसाम से भी ज्यादा जहरीला है। आज हालात देखो, सड़कों की हालात देखो, मेरे को आप बताओ ये सड़कों में 2 साल से सड़क बंद रही चली, वहां पर कचरा है, किसी को रोजगार मिला, किसी को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, तरक्की याफ्ता हुए कोई भी नहीं। तो लिहाजा समझने की कोशिश करो, कांग्रेस की हुकूमत कायम करो, रेवंत अन्ना को CM बनाओ, और अगर हमारी हुकूमत आ जाएंगी तो हम LPG का गैस 500 कर डाले, 500 में मिल जाएंगे आपको सिलेंडर, गरीबी हम दूर करेंगे, आरोग्य श्री में आप मुफ्त में 5 लाख तक आपका इलाज कर सकते। आज के दिन पे आप आवाम के लिए क्या करें, सिर्फ नफरत और सिर्फ बेरोजगारी और सिर्फ प्राइस हाइक कर दिया आप और चंद लोगों के हाथ में हिंदुस्तान को दे दिया। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।